एक तरफ जहां भारत में लोगों को फिट रखने के लिए योग शिविर लगाए जा रहे हैं, योग दिवस मनाया जा रहा है और योग कराया जा रहा है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग कराया जा रहा है और एक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, सांसद हैं, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भारत में जो स्कूल हैं उसमें योग नहीं तालीम होनी चाहिए। ऐसे में जानना चाहेंगे हमारे साथ जो जनपद संभल के रहने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, जैसे सांसद जी ने, जो सपा सांसद है संभल से, उन्होंने बयान दिया है कि जो स्कूल हैं उनमें तालीम होनी चाहिए, योग नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, डॉक्टर साहब तो राजनीति कर रहे हैं, उनका वोट बैंक खिसक रहा है, ये तो वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना वोट बनाए रखना चाहते हैं, वो ऐसा कोई विवादित बयान दें जिससे उनका जो मुस्लिम वोट है वो उनका बना रहे, तो ये राजनीतिक बयान है। योग से तो सबको लाभ है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी, योग को भी हिंदू मुस्लिम में रखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नेता हैं। तो जैसा आपने सुना, इनका कहना है कि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति, क्या कहना है? जैसे आज भारत में नहीं, दुनिया में योग का बहुत बड़ा बोलबाला है और जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं उनका कहना है कि योग से जो है लोग फिट रहते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे में जो सांसद हैं संभल के, सपा सांसद हैं डॉक्टर वर्षा, उन्होंने कहा है कि स्कूलों में योग नहीं तालीम होनी चाहिए, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखिए, इस बात का देखिए मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आदमी फिट रहेगा। आजकल बीमारियाँ इतनी तगड़ी पड़ रही हैं कि शुगर डॉक्टरों के पास में लाइन लगी पड़ी है, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ ये होता है कि आदमी फिट रहना चाहिए, मानसिक भी रहेगा, योग करेगा तो आदमी फिट भी रहेगा। देखिए सुबह अगर आप घूमने फिरने योगा वोगा करते हैं तो ये आजकल जो छोटी छोटी बीमारी शुगर है और फायरिया पता नहीं क्या क्या आदमी बीमारियाँ हो रही हैं, अगर आप घूमेंगे फिरेंगे योग करेंगे तो फिट भी रहेंगे। और आजकल खान पान में आप सब देख रहे हैं कि आप मिलावट देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, ये सब लड़ाई की झगड़े करा रहे हैं, परंतु ये एक ऐसी चीज़ है आदमी फिट रहेगा और आगे के लिए तालीम के लिए भी ये है, तालीम होनी चाहिए। तालीम तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी बढ़ेगा, कम नहीं रहेगा, बढ़ेगा, तो यही चीज़ है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं, योग जो है बिल्कुल अलग है, ये कहना है इनका, और राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ संभल के रहने वाले हैं, इनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बयान दिया है कि स्कूलों में योग नहीं तालीम होनी चाहिए, इस पर किस तरह देखते हैं आप? तालीम क्या है ना पर संभल के, तालीम कुछ नहीं है ना, तो यूनिवर्सिटी नहीं ना पर, मैं चीज़ ये यूनिवर्सिटी ना का नेता सफा है यूनिवर्सिटी, और ना पर 25-35 साल से नवाब इकबाल महमूद मंत्री रह चुके, 15 साल विधायकी इन्होंने करी, डॉक्टर बख्श साहब ने, उन्होंने क्या करा संभल के अंदर बताइए, कुछ नहीं करा संभल के अंदर। ये तालीम के बाद संभल के और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो योग को लेकर के बयान दिया है डॉक्टर साहब ने कि स्कूलों में योग नहीं तालीम होनी चाहिए, योग से कितना फ़ायदा है, जानेंगे। ये गैस डिलीवरी करने वाले हैं, घर घर गैस पहुंचाते हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। क्या नाम है आपका? अच्छा मनोज, बताइए स्कूलों में योग होना चाहिए तालीम? योग होना चाहिए। योग से क्या क्या फ़ायदे? योग से बहुत फायदे, योग से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, तालीम से क्या फ़ायदा है? जैसे डॉक्टर साहब ने बयान दिया है तो डॉक्टर जो वर्क हैं उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बयान गलत है। मनोज, हमारे साथ एक महिला यहाँ पर खड़ी है और उनसे भी जानेंगे, उनकी गोद में एक भविष्य है, भारत का बच्चा है, उनसे जानेंगे कि डॉक्टर वर्ग जी ने जो बयान दिया है उस पर उनका क्या कहना है, स्कूल में तालीम होनी चाहिए या योग? क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा बताइए, जैसे आपके पास भी बच्चा है, क्या स्कूल में योग होना चाहिए? जी होना चाहिए योग। क्या क्या लाभ है योग से? योग से बहुत सारे लाभ हैं, हमारे बच्चे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, उनको योग होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बयान दिया है तो इसको आप किस तरह देखती हैं? जी ये गलत है, जो भी कुछ है होना चाहिए योग, जो भी सब लोग बोल रहे हैं, नेता लोग जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। देखिए
जहाँ सर उनका कहना है मनीषा जी का कि सरकार की जैसी मंशा है, भारत सरकार जो चाहती है उसके अनुरूप योग होना चाहिए और योग हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए फिट रखने की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि जो डॉक्टर वर्क हैं, सपा सांसद हैं संभल से, वो कहीं ना कहीं योग का साथ देना नहीं चाहते, योग को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम वहीं पर खड़े हैं, जेके 24 न्यूज़ की जो टीम है वो वहीं पर पहुंची है जहां पर डॉक्टर भट्ट का आवास है। यहां से लोकसभा सांसद हैं और उन्हीं की धरती पर यहां पर जो लोग हैं उसी शहर में लोग उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, जेके 24/7 न्यूज़, जनपद संभल।